2 करोड़ से सजी जबलपुर की सेठानी, 24 घंटे तैनात रहती है पुलिस। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। जबलपुर के सराफा बाजार में बीते 158 साल से माता की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस प्रतिमा को नगर सेठानी के नाम से जाना जाता है। कारण, माता को करोड़ों रुपए के सोने चांदी के जेवर चढ़ाए जाते हैं। यही नहीं, माता की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सशस्त्र पुलिस भी तैनात रहती है। इस साल भी सराफा बाजार के नगर सेठानी को 2 करोड़ से अधिक के सोने चांदी के जेवरात पहनाए गए हैं। कहा जाता है कि जबलपुर के नगर सेठानी के दर्शन करने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से भी नवरात्रि पर सैकड़ों लोग आते हैं। बताया जाता है कि आजादी के पहले जब देश में अंग्रेजों का राज था, उस दौरान ब्रिटिश शासन काल में बंगाल से कुछ लोगों को काम करने बुलाया गया था। बंगाल से आए लोगों ने जबलपुर में क्लब की स्थापना की, वहां दुर्गा प्रतिमा को स्थापित की। नवरात्रि में बंगाल से आए लोगों ने जबलपुर के लोगों को पंडाल में आने की अनुमति नहीं दी। बताया जाता है कि बंगाली लोग दुर्गा पूजा कार्यक्रम में सिर्फ ब्रिटिश लोगों को अनुमति देते थे, उसके लिए बाकायदा पास की व्यवस्था कर रखी थी। यानी कि जिसके पास पास होता था वही बंगाली क्लब में जा सकता था। करीब 158 साल पहले जब सराफा बाजार में कुछ व्यापारी बंगाली क्लब में माँ दुर्गा के दर्शन करने पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। इसके बाद सराफा व्यापारी नाराज हो गए। इसके बाद अगले साल सराफा बाजार में दुर्गा प्रतिमा की स्थापना कर दी। हर साल माँ दुर्गा की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाती है, जहाँ पर उन्हें करोड़ों रुपए के जेवरात से उनका श्रृंगार किया जाता है। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही मुख्य खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।